आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। यूपी बोर्ड के परीक्षा का रिजल्ट जारी, कई छात्र छात्राओं ने टॉप कर नाम किया रोशन। प्रत्याशी मोहम्मद कासिम के कार्यालय का उद्घाटन, जनता के बीच प्रत्याशी ने किया तूफानी जनसंपर्क। डॉक्टर के मरीज के साथ बदसलूकी, पीड़ित ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ किया प्रदर्शन। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, मंदिर तोड़े जाने के मामले को लेकर जताया आक्रोश। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 महीने बाद हत्या के मामले में हुआ खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। यूपी के जनपद रायबरेली से खबर है, जहां आज शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जीआईसी ग्राउंड पर अपनी विशाल जनसभा को संबोधित किया। और इस दौरान जिले में अपनी विशाल जनसभा के दौरान सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई है। उन्होंने अपनी सभा के दौरान सबसे पहले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राणा बेनी माधव और वीरा पासी को नमन किया, और साथ ही उन्होंने महान साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को याद करते हुए कहा कि रायबरेली एक ऐतिहासिक जिला है। वही इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला के साथ दिनेश प्रताप सिंह, सदर से लोकप्रिय विधायक आदित्य सिंह के साथ जिला अध्यक्ष मंच पर उपस्थित रहे। खबर लखनऊ से है, जहां आग लगने से इलेक्ट्रिक रूम में रखा सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने से कार्यक्रम में इस्तेमाल होने वाले स्पीकर और अन्य सामान भी जलकर राख हो गए, जबकि ड्यूटी पर मौजूद इलेक्ट्रीशियन विजय सक्सेना ने अन्य साथियों के साथ आग बुझाने के साथ रूम में रखे सामान को भी बाहर निकाला है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हापुड़ के रहने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर 7 जनवरी को लापता हो गए थे, जिसके बाद परिजनों ने हापुड़ पुलिस को सूचना दी तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद 13 जनवरी को गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा लिखा और करीब 3 महीने बाद मामले में खुलासा हुआ कि जमीन और पैसा महिला मित्र और शराब के कांस्टेबल के चलते उसकी हत्या 7 जनवरी को ही कर दी गई थी। वह जब पुलिस ने एटीएम का सीसीटीवी तलाशा तब सोमवीर और सोनू का नाम भी सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने सोमवीर को गिरफ्तार कर लिया और अभी सोनू फरार है। जब नहीं लिखी गई थी, हम लोगों ने यहाँ पे जब पता करा तो यहाँ पे विजय गुप्ता नामक एक व्यक्ति से उन्होंने पैसे लिए थे और यहाँ पे गायब हो गए। तो उसके बाद यहाँ पे 13 तारीख को उनकी गुमशुदगी लिखवाई गई थी, 7 तारीख को ये अपने घर से चले गए थे। इस गुमशुदगी को लिखवाने के बाद ही हम लोग इस जाँच में जुट गए थे। इनके भाई द्वारा, मृतक के भाई द्वारा एक गुमशुदगी लिखवाई गई थी। उसके बाद जब इनके बैंक के ट्रांजेक्शन्स देखे गए तो पता चला कि जिस दिन ये गायब हुए थे उस दिन 7/8 को धौलाना से इनके एटीएम से लगभग 80,000 रुपये विड्रॉल हुए थे। उसके विड्रॉल की ये ट्रांजेक्शन देखने के बाद हमने पीएनबी बैंक वालों से जो एटीएम में जो फुटेज होती है वो हमने मांगी, और जब फुटेज आई तो उसमें 2 संदिग्ध व्यक्ति हमको दिखाई दिए, जिसमें कि एक का नाम सोनू पता लगा और एक का नाम सोमवीर है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान के इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर्स की मरीज के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आए हैं। बता दें, एक्सीडेंट होने के बाद पीड़ित मां और बेटी डॉक्टर के पास एमएलआर कराने पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टर ने बदसलूकी करते हुए घायल मां और बेटी को भगा दिया। बता दें, ये सारा मामला पीड़ित ने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसके बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर डॉक्टर के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया। मरीजों के साथ बदसलूकी की है, जिसका वीडियो भी प्राइम टीवी आप तक पहुंचा रहा है। वही जब डॉक्टर ने मरीज के साथ बदसलूकी की तो इस दौरान जो पीड़ित मरीज है भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ वो अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया गया।
गाजियाबाद में 500 करोड़ के लोन घोटाला करने वाले लक्ष्य तंवर की 4 करोड़ के फ्लैटों पर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। ये फ्लैट वैशाली इलाके में था। बता दें, एक फ्लैट की कीमत 2 करोड़ रुपए थी। वहीं पुलिस के मुताबिक अब से पहले 20 ऐसी बेनामी संपत्ति जिनकी कीमत 66 करोड़ रुपए है, वो भी जब्त की जा चुकी है। आपको बता दें कि ये फ्लैट लक्ष्य तंवर गैंग के हैं, जिन्होंने पुलिस और नेताओं को चूना लगाकर अपनी बेनामी संपत्ति इकट्ठा की थी। बाद कमिश्नरेट द्वारा चलाए गए अभियान के तहत उत्तर प्रदेश गिरोबंद अधिनियम के अंतर्गत लक्ष्य तंवर एवं 12 नफर जिनके विरुद्ध 2021 में थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, उसमें यह गैंगस्टर एक्ट के तहत अभी तक कमिश्नरेट पुलिस, गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने लगभग इसकी 66 करोड़ की संपत्ति, जिसमें लगभग 20 बेनामी संपत्तियां इसकी हैं जिनकी बाजार कीमत लगभग 66 करोड़ रुपया है, उनको सील किया गया है। उसी के अंतर्गत, उसी के क्रम में आज यहां हम लोग वैशाली के अंतर्गत इसके 2 फ्लैटों को सील किए हैं, जिनमें से हर एक फ्लैट की कीमत। यूपी में बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है। पूरे यूपी में कई छात्र छात्राओं ने टॉप कर अपने माता पिता का नाम रोशन किया। तो वहीं प्रयागराज जनपद हंडिया तहसील के अंतर्गत जराव माता राम दुलारी बिंद इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने इंटरमीडिएट में टॉप कर माता पिता और कॉलेज का मान बढ़ाया है। वहीं हमारे संवाददाता ने छात्र से खास बातचीत की है, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। बात करूंगा कि जो बोर्ड एग्जाम को लेकर के अभिभावक और बच्चों में तरह तरह की सामंजस्य की स्थिति बनी हुई थी, वहीं पर आज बोर्ड का एग्जाम का जब रिजल्ट आया है तो प्रयागराज जनपद हंडिया तहसील अंतर एक गांव है बिछवनिया, जो आजाद नगर है, यहां के विद्यालय की एक छात्रा है जिसका नाम है नंदनी बिंद। वहीं पर जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश में ये 5वें नंबर पर पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप आई है। वहीं पर मैं आज उनके विद्यालय पर आया हूँ और मैं नंदनी बिंद से बात करूँगा कि जो आप ये पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप की हैं, इसका श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? इसका सर्वप्रथम श्रेय मैं अपनी माता पिता और अपने टीचर सभी गुरुजनों को देना चाहती हूं, जो उनका बहुत हेल्पफुल रहा हमारे। नंदनी जी, इसके पहले आपके हाई स्कूल में रिजल्ट कितना रहा? इसके बाद हमारे मतलब हाई स्कूल रिजल्ट 88.66% था। तो आप पढ़ाई कितने घंटे करती थी, जिससे कि आपको क्या कभी ये उम्मीद थी कि मेरा उत्तर प्रदेश में 5वां नंबर आएगा या मैं फर्स्ट आऊँ, कभी ऐसा आपको कल्पना आपने किया था? जी, मतलब मैं तो शुरू में क्लास 9 से ही मतलब एकदम हो गई थी कि मुझे पढ़ना ही है, कि आगे अगर जिंदगी में कुछ लक्ष्य को हासिल करना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो मेहनत। तो मैं वहीं से शुरू कर दी थी अपनी लाइफ की जर्नी, और मतलब शुरू से जब क्लास 10th में थे हम तो बहुत मेहनत किए थे, लेकिन उसमें कोरोना काल था जो कि मतलब वो चला गया, और वहीं से मैं मतलब सपना मेरा जागरूक हुआ कि मुझे कुछ अच्छा करना है। मतलब जैसे सुनते आए थे हम पहले से कि बच्चे मतलब टॉप करते हैं, अच्छा होता है, माता पिता का नाम रोशन होता है, तो बस वहीं से मोटिवेशन पा कि मतलब हम करना चाहते थे, लेकिन उस समय कोरोना काल सब खत्म हो चुका था, तो ये सपना जारी रहा मेरा। क्लास 11 से मैं हमेशा से मोटिवेट रही हूँ, नीट का प्रिपरेशन मेरा चलता रहा उसी साथ में, ऑनलाइन कोचिंग भी। मतलब उनको टेंशन लेने की पहली बात कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब जीत हार तो हर लोगों के लाइफ में आती जाती रहती है। मेहनत बस हमें यही करना है कि मतलब कभी पीछे नहीं देखना है, जो भी गलती कर चुके उसे छोड़ के मतलब आगे बढ़ जाइए, और आगे आगे भी बहुत समय है हमारे पास कुछ अच्छा करने को, तो अभी बहुत समय है, मतलब सिर्फ मेहनत ही, डेडिकेट हो जाइए अभी से तो वो हो जाएगा। ये नहीं कि हम फेल हो गए हैं तो आगे ज़िंदगी में ये मार्क्स ज़्यादा नहीं अपनी लाइफ को जुनून है। कैसे आप आगे पढ़ाई लिखाई कराएंगे? बस पढ़ाएंगे सर, जितना हमारे अंदर सहयोग बा, जितना हमारे हिम्मत बा, उतना हम इनके पढ़ाएंगे। आज आप जो सुनी है कि आपकी बिटिया पूरे प्रदेश में 5वां स्थान पाई है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी, बहुत खुशी का ठिकाना नहीं। जैसा कि अभी मेरे साथ में नंदनी के माताजी हैं, जो कि एक हाउसवाइफ हैं, गृहिणी हैं, उन्होंने बताया कि जब मुझे ये जानकारी हुई कि मेरी बिटिया पूरे प्रदेश में 5वां स्थान आई है, तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं पर मेरे साथ में इस विद्यालय के प्रबंधक हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आपके कॉलेज की छात्रा उत्तर प्रदेश में 5वां स्थान हासिल की है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, हमसे तो सबसे बड़ी खुशी उपलब्ध हुई है, हाँ, कि कॉलेज का नाम रोशन किया, कॉलेज का नाम रोशन किया बच्ची हमारा और पूरे परिवार का, अपने माता पिता का, कॉलेज का। ठीक, हम तो बड़ी बड़ी बधाई देते हैं बच्ची को, आगे ईश्वर करें तो अच्छा भविष्य मिले। क्या आपको कल्पना था कि आपके कॉलेज की लड़की पूरे प्रदेश में, आपका विद्यालय और आपका
जो संस्थान है उसका नाम रोशन करेगी, अपने अपना नाम रोशन करेगी, आप कल्पना था जी, ये तो है ही है कि कॉलेज हम चला रहे हैं तो हमारी इच्छाएं हमेशा रहती है कि कोई बच्ची हमारी तो टॉप 10 में आए।